कुणाल के सपने ऐसे हैं कि आने वाली जनरेशन भी इससे मोटिवेट होगी कि सपनों को पूरा कैसे किया जाता है। इसने जॉब छोड़ दी, थोड़ा घर का माहौल भी खराब हो गया, पर फिर भी ईश्वर पे भरोसा था कुछ ना कुछ आगे ये बढ़ेगा और कुछ करेगा। मैं कुणाल को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, उसको इतना कॉन्फिडेंस है भाई जो भी काम करता है ना वो पूरा करता है। कुणाल एक इंटेलिजेंट बच्चा है और आगे आगे तरक्की कर रहा है। आज मेरे को इतना प्राउड फील होता है कि मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती कि मेरे को कितनी खुशी हो रही है ये बताते वक्त कि मेरा बेटा आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। गर्व की बात है मेरे लिए कि मेरा बेटा IMC के अंदर ग्राउंड प्रेजिडेंट है। धर्म पत्नी ने भी इनका पूरा पूरा साथ दिया। 2 से 3 साल तक मैंने इनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री रखा ताकि ये IMC में खूब हार्ड वर्क कर सके और IMC क्राउन प्रेसिडेंट लेवल अचीव कर सके, जो कि इन्होंने किया और उसका रिजल्ट ये है कि आज हम अपनी मर्जी का लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सीढ़ी बनाकर इन्होंने अपने बल बूते ही एक मकाम हासिल किया और अपने टीम मेंबर्स को तवज्जो देते हुए उन्हें भी अपने परिवार के जैसा ही समझा। मेरी टीम मेरे परिवार का हिस्सा है, हम साथ खाना खाते हैं, साथ समय गुजारते हैं, साथ काम करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का जज्बा रखते हैं। कुणाल कामरा जी एक अच्छे लीडर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ मैं। कुणाल कामरा जी बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, बहुत विजनरी हैं, बहुत बड़ी सोच उनकी और सबको साथ में लेकर चलने की उनकी जो मानसिकता है ये मुझे बहुत प्रभावित करती है। जबरदस्त जाने में लीडर हैं। सफलता के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है, एक अच्छा मार्गदर्शक ही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकता है। थैंक्स गॉड कि उन्होंने मुझे एक ऐसे ही मार्गदर्शक से मिलाया। तो मैं बात कर रहा हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन मिस्टर कुणाल कामरा जी की, जिनकी बदौलत आज मैं एक ऐसी लाइफ जी रहा हूँ जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। कुणाल जी एक बहुत ही मेहनती, सच्चे और ईमानदार इंसान है। परमात्मा ऐसी अपलाइन और IMC जैसा सिस्टम हर किसी को दे। कामरा आज लगातार क्राउन प्रेसिडेंट के क्राउन की अपनी गरिमा को बरकरार रखे हुए हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात कुणाल जी की यह है कि उनका जो प्रेजेंटेशन है बहुत ज्यादा इजी है और शब्दों के अंदर जो उनकी पकड़ है कुणाल जी की वो अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। दोस्तों कुणाल कामरा इन्होंने उस समय बिजनेस को स्टार्ट किया जब लोग नहीं जानते थे बहुत सी जगह पे, इन्होंने वैसी वैसी जगहों पे बिजनेस को किया और एक नया इतिहास रचा जिसकी वजह से आज वो इस कंपनी के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट हैं। गुड आफ्टरनून दोस्तों आज मुझे IMC के साथ जुड़े हुए 7 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, लेकिन नौकरी के अंदर वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था, ना ही वो पोटेंशियल थी और ना ही वो सिक्योरिटी थी। तो मैंने एक दिन डिसीजन लिया और 6 दिसंबर 2012 को पहले महीने के TDS कार्ड के 73 रुपए के पे आउट से ये शुरू हुआ सफर। आज मैं लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ और इस साल का जो मेरा फॉर्म 16 है वो लगभग 2 करोड़ का होने वाला है। दोस्तों डस्टर, फॉर्चूनर और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां अचीव कर चुका हूँ, लगभग 10 से 12 फॉरेन टूर्स ले चुका हूँ, आज मेरे साथ लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। तो आप देर ना करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपने सपनों को साकार करिए। IMC न सिर्फ इनकी मेहनत का सम्मान करती है बल्कि इनके हौसले और जज्बे को भी सलाम करती है। मेरे पास IMC का शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा थैंक्स IMC। गुड IMC।
गुडन जी, कितने लोगों ने फैक्ट्री देखी अभी तक? वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए, हरिद्वार में पहली बार आईएमसी के इवेंट में कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं? अरे बाप रे, जोरदार तालियां सबके लिए। मैं आज के इवेंट को शुरू करने से पहले एक बार मैं ईश्वर का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें आज सबको ये मौका दिया, तो एक बार हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी कोई मंजिल ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, और खास तौर पे कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, काम गए, बेचारों के पास आज काम ही नहीं है। और परमात्मा ने हमें एक ऐसा बिजनेस दे दिया है जिसमें लोग आज काम ढूंढ रहे हैं और हम यहां पर एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है, खास तौर पे जो पहली बार आज हरिद्वार में आए हैं। आज आप देखेंगे कंपनी की फैक्ट्री को, आज आप देखेंगे वहां पर कैसे एलोजोती बन रही है, कैसे डेंटल क्रीम बन रही है। आज आप देखेंगे कंपनी के, मैं बोलूंगा हिंदुस्तान की सारी कंपनियों में से सबसे बड़े नेटवर्क मार्केटिंग के वेयर हाउस को। लोग कहते हैं हम दिखाते हैं। लोग कहते हैं हम करते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास मेरा उसे फैक्ट्री है, ये है वो है, हम लोगों को बुला के दिखाते हैं। कहां पड़े हो चक्कर में? कहां पड़े हो चक्कर में? कहां पड़े हो चक्कर में? खड़े होके बोलो सारे, कहां पड़े हो चक्कर में? कहां पड़े हो चक्कर में? कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं आए सीखी चक्कर में। थैंक यू। तो दोस्तों, जब मैंने आईएमसी की शुरुआत करी 6 दिसंबर 2012 को, ये जो वीडियो आप देखा आपने, ये एक्चुअली में 2 साल पुराना वीडियो है, ये 2 साल पहले शुरू हुआ है। उसके बाद अभी 2 साल की 4-5 करोड़ की इनकम ऐड होनी है इसके अंदर, एक गाड़ी और ऐड होनी है, एक बड़ा घर और ऐड होना है। जब मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया, मैं इससे पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, और मैंने एक ऐसे सिस्टम की तलाश में था जिसमें जितनी मेहनत करो उतना पैसा आए, कुछ समय अगर ना भी करो तो भी काम चलता रहे। और मैंने मार्केट को स्टडी किया कि ऐसा इकलौता काम है जिसमें आप बिना इन्वेस्टमेंट के आप पैसा कमा सकते हो, जितना मर्जी कमा सकते हो, आपकी मेहनत के ऊपर है। और मुझे आके एक ही इंडस्ट्री मिली और उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उसके बाद मैंने तलाश करी एक अच्छी कंपनी की, मैंने बहुत सारी कंपनी को स्टडी किया। और यहां पर आप लोग गलती करते हो, आप लोग क्या करते हो, आप लोग पहले काम शुरू करते हो उसके बाद कंपनियों को देखना शुरू करते हो। मैंने इसका उलट किया, मैंने पहले कंपनियों को देखा, स्टडी किया, उसके बाद 6 दिसंबर 2012 को मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया। और आज तक किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं है कि मुझे किसी दूसरी कंपनी का प्लान समझा दे। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैंने आईएमसी को क्यों चुना, तो उसके पीछे 2-4 कारण है। सबसे पहला कारण तेल किलो में से निकलता है, और हमारे दिल क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि हमारे जैसे प्रोडक्ट पूरी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। एक लाइन में मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बता सकता हूं।
कि आईएमसी के प्रोडक्ट बिकते हैं, आईएमसी के प्रोडक्ट बिकते हैं और मार्केट के प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। हमारा जो आदमी एक प्रोडक्ट ले लेता है वो उसके बाद अपने जाके लोगों को भी देता है, अपनी गारंटी पे देता है कि भाई साहब मैंने लिया है, मैंने टेस्ट का रिजल्ट लिया हुआ है, हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं। ऐसा रिजल्ट मैंने कहीं नहीं देखा। और दूसरा, हमारी कंपनी 100% एथिकल कंपनी है। मैं सत्यम सर के साथ रहता हूं, मेरी आईडी कंपनी के साथ डायरेक्ट है और मैं हमेशा उनकी सोच को सल्यूट करता हूं। उनकी सोच हमेशा जानते क्या होती है कि कुणाल जी थोड़ा कम कर लेंगे लेकिन गलत नहीं करेंगे हम लोग। पैसे कमाने में और कमाते रहने में बहुत बड़ा अंतर है और आईएमसी वो कंपनी है जो 15 साल से चल रही है और इसमें हमारे बच्चे भी काम करने वाले हैं। और तीसरा सबसे जरूरी चीज, हमारी मैनेजमेंट की नीयत, हमारी मैनेजमेंट की नीयत। जहां कोविड के दौरान बहुत सारी कंपनियों ने पे आउट रोक दिए, उनके ट्रिप्स थे, फॉरेन ट्रिप, ये वो कंपनियों ने बहाने से मना कर दिए, हमारी कंपनी में ट्रिप नहीं लेके जा पाई लेकिन सबके अकाउंट में पैसे डाले। डाले कि नहीं डाले? आपका एक रुपया भी बनता है, आपका कोई गिफ्ट निकला है, कंपनी पीछे पड़ पड़ के देती है कि भाई साहब ये बना है ले जाओ। नियत, और परमात्मा नियत ही देखता है। इसी वजह से आज हमारी कंपनी हिंदुस्तान की टॉप 5 में पहुंच चुकी है, क्योंकि हमारी कंपनी की मैनेजमेंट की नियत क्या है? देने की। इस वजह से मैं आईएमसी में आया और मैं आज अपने आप पे प्राउड फील करता हूं कि मैंने जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सही डिसीजन लिया आईएमसी में। आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं भैया, वो तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंटिन्यू एफर्ट्स फॉर सक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आज की मीटिंग। मैं सेशन शुरू करने से पहले एक बात करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो फेल होते हैं और जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो कामयाब होते हैं। ये बात कहीं किसी हद तक सही भी है, लेकिन आप जानते हैं असल में नेगेटिव लोग जो हैं वो फेल नहीं होते। नेगेटिव लोग फेल नहीं होते और ना ही पॉजिटिव होते हैं। क्यों? जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको काम अच्छा नहीं लगता, वो छोड़ के चले जाते हैं किसी और काम में। हाँ, वो लोगों को जरूर नेगेटिव करते हैं, मैं इसके बारे में बात में आऊंगा, अभी कामयाबी की बात हो रही है। नेगेटिव लोग काम को छोड़ देते हैं, किसी और काम में चले जाते हैं और जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो काम करते रहते हैं। काम करना, करते रहना, दो अलग अलग बातें हैं। नेगेटिव लोग काम को छोड़ के चले जाते हैं, पॉजिटिव लोग जो हैं वो काम करते रहते हैं और एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन इनके बीच में एक और तरह की कैटेगरी है। कौन सी? जो कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी अपलाइन से नेगेटिव, कभी कंपनी से नेगेटिव, कभी घर वालों से नेगेटिव, कभी दुनिया से नेगेटिव, कभी परमात्मा से भी नेगेटिव, तूने मेरा ये क्या कर दिया, कभी खुद से नेगेटिव, मैं हूं ही ऐसा। और इस तरह के लोग कामयाब बड़े लेवल पे नहीं होते, क्योंकि वो कभी काम करते हैं तो कभी छोड़ देते हैं और कभी करते हैं तो कभी छोड़ देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये बात सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। मेरे को आज तक हजारों लोग मिले हैं और आके मुझसे एक सवाल पूछते हैं, सर कोई टिप्स दो, कोई कामयाबी का टिप्स दो। जानते मैं ज्यादातर लोगों को एक ही बात बोलता हूं कि रोज काम करो, रेगुलर काम करो। प्रॉब्लम कहां आती है? जब आप एकदम से बढ़िया तरीके से काम कर रहे होते हो, करते 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 आप कहीं से किसी कारण से नेगेटिव हो गए या किसी परिस्थितियों में रुक गए, कोई लीगल मैटर आ गया, कोई घर का शादी आ गई, कोई कुछ आ गया,
और वहां पर आप एक पॉज लेते हो, एक ब्रेक लेते हो कि एक महीना मैं बिजी हूं, और एक महीने के बाद जब आप दोबारा से काम पे आते हो और वो काम को दोबारा से उठाने की कोशिश करते हो तो वो वहां पर नहीं होता, वो वापिस हो चुका होता है। सबसे बड़ा कारण अगर आपकी कामयाबी रुकी हुई है तो कहीं ना कहीं आपने कंटिन्यू एफर्ट्स करने बंद कर दिए हैं। आप करते हो रुकते हो, करते हो रुकते हो, करते हो रुकते हो, और जब आप रुकते हो तब आप रुक नहीं होते रहे होते, आप पीछे जा रहे होते हो। आप वापिस आके काम को समेटने की कोशिश करते हो तो वो काम सिमटता नहीं है, वो खत्म हो चुका होता है और नया काम आप करते नहीं। सो अगर आप इस इंडस्ट्री के धुरंधर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी भी तस्वीरें यहां पर लगे, तो आज के बाद रोज काम करना है। चल नहीं रहा भैया? चल पड़ा। प्लीज इसको नेक्स्ट। अब लगातार क्या क्या चीजें करनी है, लगातार क्या क्या चीजें करनी है, आप सब लोग इन चीजों को नोट करना, नोट करना सबसे जरूरी है। अगर आप डायरी पेन नहीं लेके आए तो पहली गलती आपने ये करी है, दूसरी गलती आप इसको नोट ना करके करने वाले हो। मोबाइल में भी आपके एक ऑप्शन रहता है, वहां पर आप इसको नोट करना शुरू कर लो। अब क्या क्या काम करने हैं, लगातार कौन कौन से काम करने हैं। सबसे पहला काम कौन सा करना है? सेल काम करना है, सेल। और किस चीज की सेल करनी है? प्रोडक्ट की। हाँ जी, किस चीज की? प्रोडक्ट्स और कंसेप्ट, इस चीज की सेल करनी है। और मुझे तो ये समझ नहीं आती, बहुत सारे लोग आके मुझे बोलते सर सेल नहीं होती मेरे से, ये नहीं मैं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? जब अमिताभ बच्चन इतना बड़ा आदमी होके ठंडा ठंडा कूल कूल तेल बेच सकता है तो आपको काहे की शर्म? आजकल तो बड़े बड़े स्टार वो सुपारियां उपारियां बेच रहे हैं। ओ भाई, आप तो आयुर्वेदा बेच रहे हो, जान बेच रहे हो लोगों की, क्यों शर्म? और कहते हैं ना, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। फिर लोगों को बोलते फिर होगे मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं। शर्म नहीं करनी। एक वो मैडम आके बोलती है वो तेल लगाओ सर के बाल आ जाएंगे, भाई अपने घर वाले के लगवा दे। एक छोटा सा आदमी आके बोलता है ठंडा मतलब कोका कोला पर करोड़ों रुपए ले जाता है, और वो झूठ बोलता है। क्या ठंडा मतलब कोका कोला होता है? अब जब सर्दियों में आपको ठंड लगती है तो यही बोलते हो ना, ठंड लग रही है, ये थोड़ा ना बोलते हो कोका कोला लग रहा है। अब इन लोगों को कोई शर्म नहीं है बेचने की, तो आपको क्यों है? एंड ट्रस्ट मी, जितने लोग आके मुझे बोलते, मैं एक सवाल करता हूं, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आपके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में आपके रिश्तेदारों के घर में आपके प्रोडक्ट जा रहे हैं? ईमानदारी से बताना, गिनती के 2% लोग होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे, नहीं जा रहे। जब आप अपने पड़ोसी के घर में प्रोडक्ट नहीं दे रहे, जब आप अपने रिश्तेदार को प्रोडक्ट नहीं दे रहे, तो लानत है यार हमारे ऊपर। यार जाइए अपने अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ला कॉलोनी सोसाइटी रिश्तेदारों के पास, जब आपके पास सोने जैसे प्रोडक्ट हैं तो क्यों शर्म कर रहे हो जाके उनको देने की, क्यों? और फिर आप जाके हमारे पास बाद में आते हो कि सर मेरे पड़ोसी को कोई और ज्वाइन करवा के चला गया। सो आज के बाद हम किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं, सेल रुकेगी नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो सेल रुकेगी नहीं, हिला के बोलो उसको सेल रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, सेल रोकनी नहीं है, ना तो प्रोडक्ट की और ना कंसेप्ट की। दूसरा, एजुकेशन।
इस इंडस्ट्री के अंदर जिसने सीखना बंद कर दिया गया। आज भी बहुत सारे लोग क्वालिफाई करने के बाद यहां नहीं पहुंचे। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई कि यार वही बातें हैं, वो है, ये है, समझ लो अब आपको जंग लग गया। आज आपको मैं एक और बात बताता हूं कि मीटिंग सेमिनार की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, मीटिंग सेमिनार की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है और ज्यादा क्यों बढ़ जाती है। हमारी इंडस्ट्री में मैं बताऊं, काम कोई मुश्किल नहीं है, काम मुश्किल नहीं है, काम आसान है। ध्यान से सुनना, काम आसान है, करना बार बार है। काम आसान है, करना बार बार है, और यहीं पे आके आदमी थक जाता है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस रेशियो बहुत कम है। आप 10 लोगों के पास जाते हो तो एक आदमी आपके साथ जुड़ता है, और प्रॉब्लम कहां आती है, आदमी 4 लोगों के पास जाता है, 5वें के पास जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, छोड़ यार हो गया, और आदमी नेगेटिव हो जाता है। आप जानते हैं खुद को पॉजिटिव रखने के, ये लड़ाई दुनिया से नहीं है, ये लड़ाई किससे है, खुद से। और खुद को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, और खुद को पॉजिटिव रखने के दो ही तरीके हैं, दो ही तरीके। नंबर एक, बिजी रहो, काम करते रहो, बिजी रहो, आपके पास नेगेटिव सोचने का समय नहीं मिलेगा। और नंबर दो, मीटिंग सेमिनार अटेंड करते रहो। आप जब जब मीटिंग सेमिनार में आओगे, आप अपने अंदर एक नया जोश पाओगे। आज वो जोश आपके अंदर आया है कि नहीं, और अभी तो देखना, अभी तो शुरुआत है। कल शाम तक सेमिनार के अंदर जो आदमी यहां पर बैठा रहेगा, परसों वो निकल के वही व्यक्ति जो एक बकरी की तरह बिहेव कर रहा था, परसों शेर की तरह दहाड़ने वाला है अपने सहारे में। सीखते रहना बहुत जरूरी है, मीटिंग सेमिनार अटेंड करना बहुत जरूरी है। भाई साहब, बिना सीखे तो रोटी भी गोल नहीं बनती। आती है बनानी? कौन बोला ये? अच्छा, अकेले आए हो मैडम के साथ आए हो? अच्छी बात है भाई, मैं भी बना लेता हूं कभी कभी, बनानी पड़ती है जी। लेकिन सवाल ये है, गोल नहीं बनती, पहली बार में नहीं बनती, दूसरी बार में नहीं बनती। उसके लिए भी मैडम से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि मैडम एक बार सिखा दो, डेमो दे दो, फिर बना के खिला दूंगा। हाँ जी, बिना एजुकेशन के कुछ नहीं होता। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, क्यों भेजते हो? ताकि वो मच्योर बने, सीखें। लेकिन यहां पर जब सीखने की बारी आती है तब आप पीछे हट जाते हो। क्यों? अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस लगातार सीखना पड़ेगा। आप सीखोगे सुपरस्टार बनोगे, सुपरस्टार पे पहुंच के आप सीखोगे सिल्वर गोल्ड बनोगे, सीखोगे चेयरमैन बनोगे, और आगे सीखते जाओगे तो आप एक दिन कंपनी के अंदर कोहिनूर भी बनोगे। लेकिन जहां पर आपने सीखना बंद किया आप गए। एंड ट्रस्ट मी, आपको एक मैं बात और बताऊं, सीखना किससे, किससे सीखना? अपने एक्टिव अप्लाइंग से, एक्टिव अप्लाइंग से, जो वो मुकाम हासिल कर चुका है। ये बात ध्यान से सुनना, आप सीखोगे उससे जो वो मुकाम हासिल कर चुका है, ना कि उससे जो खुद घर पे बैठा और ज्ञान दे रहा है। सीखोगे कंपनी के सिस्टम से, सीखना उसने जिसे खुद को प्रूव किया है। लेकिन सवाल ये है, लगातार सीखना। अपने पड़ोसी के कंधे पे हाथ रखो, सीखते रहना, सीखते रहना बहुत जरूरी है। तीसरा, तीसरा क्या? रिक्रूटमेंट। ये हमारी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। अभी पीछे ही मुझे हमारे एक लीडर मिले, मुझे आके कहते सर काम नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा क्यों नहीं बढ़ रहा?
तो उनका जवाब था सर मेरी टीम काम नहीं करती। आमतौर पे जब आदमी से खुद से काम नहीं हो रहा था ना तो वो कसूर देने के लिए उसके पास तीन चार कॉमन होते हैं। ये चौथा सबसे बड़ा पॉइंट आजकल निकल के आ रहा है। पहला, अपलाइन की सपोर्ट नहीं है। जितने लोग भी आगे नहीं बढ़ पा रहे होते वो कभी अपने अंदर कसूर नहीं निकालेंगे। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी यही है, अपने अंदर कसूर निकालना। अगर आपने अपनी कमी निकाल ली तो कमी समझ आ जाएगी, तो उसको आप सुधारोगे, सुधारोगे तो आगे बढ़ जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी कमी निकालने की बजाय दूसरों में अंदर कमी निकालते हैं और इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपलाइन की सपोर्ट है ही नहीं, जिनके पास एक्टिव अपलाइन ही नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कसूर आदमी देता है अपनी अपलाइन को कि मेरी तो अपलाइन की सपोर्ट ही नहीं है। दूसरा कसूर देगा वो कंपनी को, कंपनी का सिस्टम ठीक नहीं है। अरे भाई, तेरे लिए वो सिस्टम और सबके लिए वो सिस्टम है। तीसरा वो कसूर देता है अपनी डाउनलाइन को, मेरी डाउनलाइन ही काम नहीं करती। चौथा, मेरी किस्मत खराब है। अगर ये जो चार उंगलियां तूने बाहर दिखाई हैं, सामने दिखाई हैं, अगर ये अपनी तरफ मोड़ लेता तो आगे बढ़ जाता। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहां रिक्रूटमेंट, जहां पर रिक्रूटमेंट बंद समझो काम बंद। अब भाई साहब मुझे आके बोल रहे हैं, सर मेरी तो टीम ही काम नहीं करती। वो मैंने कहा, मामा तेरे को किसने मना किया दूसरी टीम ना बनाने के लिए? क्या कंपनी ने आपकी आईडी के ऊपर ब्लॉक लगा दिया कि आप और टीम नहीं बना सकते? तो क्यों नहीं बना रहे? बनानी पड़ेगी। प्रकृति का नियम है, पेड़ खड़ा रहता है, पत्ते आते हैं जाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं। आप क्यों जम के खड़े हो गए कि मुझे और टीम नहीं बनानी? जब आप बोलते हो ना कि मेरी टीम काम नहीं करती, वास्तव में आप ये बोल रहे होते हो कि टीम काम नहीं कर रही, मैं काम नहीं कर रहा, तुमने काम करना बंद कर दिया। तुम सारा दिन वही चार टीमें बनाई थी और वही चार टीमों की गुण गाते रहते हो, उन्हीं को फोन करते रहते हो, तुम काम नहीं कर रहे, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे में पोटेंशियल है, तुम्हारी क्वालिटी है। ओ भाई, इसने नहीं करना, नहीं करना। क्यों उसको जगाने में लगे हो? उसको जगाने के बजाय खुद को जगाओ। अब बोलो अपने पड़ोसी को, खुद जाग, खुद जाग, खुद जाग, तो दुनिया जाग जाएगी, दुनिया जाग जाएगी। तू सोया पड़े है, किसने मना किया है टीम ना बनाने को? और आपको मैं एक बात बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा होता है। आपकी तीन चार टीमें चल रही हैं, आपका पे आउट बन रहा होगा, उनके दिमाग में ये बात आएगी आएगी, हम काम करते हैं इनको पैसा आता है। ऐसा लोग सोचते ही सोचते हैं, ज्यादातर लोग इसी वजह से कामयाब नहीं हो पाते। और ऐसी सिचुएशन में यदि आप उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होकर रह गए तो वो काम करना बंद कर देंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो जेलसी के मारे दूसरे का नुकसान करने के चक्कर में खुद का नुकसान कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबके साथ होता है ऐसा। वो इशारों इशारों में आपको बताएंगे कि हम काम करते हैं तो तुम्हें पैसा आता है। और यदि आप उन्हीं के ऊपर टिके रह गए तो आप गए। और यदि आपने उनके बराबर चार और खड़े कर दिए तब आप ईंट का जवाब पत्थर से दोगे कि बेटा तेरे काम करने से मुझे पैसा नहीं आता, तेरे जैसे मैंने 10 और खड़े कर रखे हैं उसकी वजह से आता है। अगर आप उसी में रह गए खत्म हो जाओगे, और अगर आपने बराबर में चार और खड़े कर लिए तो ट्रस्ट मी, वो जो चार आपको है जो आपके ऊपर एहसान दिखा रहे हैं ना, वो भी काम। और मैं तो लोगों की सोच पे हैरान होता हूं कि मैं काम करता हूं मेरी अपलाइन को पैसा जाता है, तो तुम्हें किसके काम करने से आता है? हाँ, अगर तुम्हारे काम करने से तुम्हारी अपलाइन को पैसा जाता है तो तुम्हारे तुम्हें किसके काम करने से पैसा आता है? सिस्टम वही है भैया, आज तुम जैसा बीजोगे कल को वही काटोगे और वो मल्टीप्लाई होकर मिलने वाला है।
इम्प्रूवमेंट चलती रहनी चाहिए, भले ही आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं। मैं आज ईश्वर की कृपा से कंपनी की हाईएस्ट पिन लेवल पे हूं, डायरेक्टर टर्म प्रेजेंट, और मैंने पिछले महीने 2 नई टीमें शुरू करी है और करता रहूंगा। अब ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 4-5 महीने में एक टीम तो मैं जरूर शुरू करूंगा और करता हूं। 2 डायरेक्ट करी है, लेकिन मैं हर महीने कोई ना कोई 1-2 टीमें शुरू करता हूं, वो अपनी टीम के नीचे दे देता हूं, लो पकड़ो भैया चला लो इसको। लेकिन नया ब्लड आते रहना चाहिए। जहां पर आपका नया ब्लड आना बंद हो गया, आप गए। अगर एक आदमी आपको छोड़ के जा रहा है, तो अंदर अंदर वो आग रखना कि इसके बराबर के 4 खड़े करने हैं और इसको भी जवाब देना है, तभी बनेगी बात। वरना आप गए तो गए। सो आज के बाद सुन लो, आज के बाद ये मत किसी को कहना कि मैं तो काम करता हूं, मेरी टीम काम नहीं करती। अबे निकम्मे, तूने काम करना बंद कर दिया है, तेरी टीम काम नहीं करती, तो 4 और खड़े कर। आज के बाद ये डायलॉग मत बोलना कि मेरी टीम काम नहीं करती। टीम करेगी जब तू उसके बराबर 3 और खड़े करेगा। वो नेक्स्ट, चाहते सभी हैं लेकिन देना, चाहते सभी हैं कि मेरी टीम मेरी रिस्पेक्ट करे, लेकिन देने नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मन में विचार आता है कि मेरे काम करने से पैसा आता है। आज मैं आपको एक बात बताऊं पर्सनली, इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक इकलौता आदमी होगा जो आपकी भलाई आपकी कामयाबी चाहता है, वो कौन? एक्टिव अप्लाई, एक्टिव अप्लाई। अब अगर नए लोग हैं तो मैं क्लियर कर दूं अपलाइन और एक्टिव अपलाइन में क्या फर्क होता है। एक होती है अपलाइन, जिसने आपको रिक्रूट किया, आपको स्पॉन्सर किया, और दूसरी होती है एक्टिव अपलाइन। बहुत बार केसेस में ऐसा होता है आपकी अपलाइन आपको सिस्टम में ले जाके ले आती है और निकल लेती है। अच्छा, कई कई तो ऐसे होती है जो जेब में 2-3 कंपनियां लेके घूम रही होती है, ऐसा भी हुआ। लेकिन दूसरी होती है आपको एक्टिव अप्लाई, जो काम कर रही है, जो सिस्टम बना रही है, जो लेवल अचीव कर रही है। अगर कामयाब होना है तो ऐसी अपलाइन की उंगली जिंदगी में मत छोड़ना। और आपको मैं एक और बात बताता हूं, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में यह बात कहता हूं, इंसान बहुत मतलबी होता है, बहुत सेल्फिश होता है। मैं आपके लिए 20 बार काम आ जाऊं, 100 बार काम आ जाऊं, आपके ऐसे ऐसे मसले हल करवा दूं जो हो ही नहीं सकते थे, लेकिन यदि मैं एक बार आपकी उम्मीदों पे खरा ना उतर पाऊं, तो आप पता क्या कहोगे? तुमने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। और यहीं पे प्रॉब्लम आती है। अपलाइन की जो सपोर्ट होती है ना, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अपलाइन की जो सपोर्ट होती है वो नजर नहीं आती। ये कब नजर आती है? जब मिलनी बंद हो जाती है, तब नजर आती है कि यार अपलाइन होती तो आज मेरा ये भी हो जाता, अपलाइन मेरे ये काम भी करवा देती थी, अपलाइन साथ खड़ी होती थी तो मेरा सीना चौड़ा होता था। इसलिए कभी गलती से भी आपकी एक्टिव अपलाइन का साथ मत छोड़ना। हम लोग सबको खुश कर लेते हैं, मेरी डाउनलाइन, मेरा ये, मेरा वो, मेरे क्रॉस लेगों को खुश करते फिरते हैं हम लोग यार, सबको खुश कर लेते हैं। लेकिन जो आदमी जिसके साथ हमें अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए उसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं, उसको हम लोग ये लेते कि भाई ये तो मैंने रखा हुआ है, इसका तो धर्म है मेरी सेवा करना। कई कई तो ऐसे लोग हैं जो अपलाइन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चलो भाई अपलाइन चलिए, लोगों को मिलकर आना है, और बैठेंगे यूं चौड़ा होकर, यूं प्लान करो।
लेकिन लोग तो ये सोचते हैं कि मैंने अपलाइन को प्लान करने के लिए रोका हुआ है और अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन करने की भी उनको तरीका नहीं है। जब जाएंगे प्लान करवाने के लिए, मीटिंग करने के लिए, तो अपलाइन को ये दिखाएंगे, सर ये हमारे अपलाइन है, प्लान करो सर। और ये कौन है? सर ये सरपंच है, बहुत बड़े, बहुत रसूख है सीन का, क्या काम निकलेगा? आप सामने वाले को इतना बड़ा करके दिखा रहे हो और अपलाइन को छोटा कर रहे हो, कहां काम निकलेगा भैया? अब जाओ, सर ये हमारे सरपंच साहब है जी, बहुत बड़े बढ़िया व्यक्ति हैं। और अपलाइन, सर ये वो हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी। सर बड़ी मुश्किल से इनका समय मिला है, ये समय नहीं दे पाते, इनकी बहुत बड़ी टीम है, रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मुझे आज समय दिया, मना भी नहीं करते, और आज बड़ी मुश्किल से समय मिला सर, मैं और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। बताओ क्या असर पड़ेगा सामने वाले पे? भैया काम वही है, प्रोडक्ट वही, सिस्टम वही, काम करने के तरीके में अंतर है, आप क्या बोलते हो उसमें अंतर है। अपलाइन की रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आज उसने आपको बढ़िया सा कमरा दिलवा दिया, बहुत बढ़िया, किसी की सेटिंग करवा दी वो भी बढ़िया, खाना टाइम पे खिलवा दिया, बढ़िया। लेकिन जब अगली बार आपकी सेटिंग ना करवा पाया तो पिछली बार को भूल मत जाना, समझ आ रही है? आज उसने आप पे काम करवा दिए और मेरी अपलाइन, अगली बार अगर वो आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाया किसी कारणवश, तो पिछले किए किराए को भूल मत जाना, वरना नुकसान आप ही का है। क्यों? क्योंकि अगली बार के बाद एक और अगली बार आनी है, उसके बाद भी अगली आनी है, ये बहुत अगली आनी है, अपनी अगलियों को सुधार को खराब मत कर लेना, एक को खराब करके। अच्छा लगे बुरा लगे, मेरा है, मेरा अपलाइन मेरा है, लोगों को देखा मेरी आईएमसी, मेरी कंपनी सबसे बेस्ट। और एक छोटी सी, किसी को होटल अच्छा मिल गया, किसी को ठीक ठाक मिला, तो आईएमसी खराब होगी, बस इतना सा प्यार था। हाँ? मुझे पता है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो मिल रहा है ना एक्सेप्ट कर लो, जो मिल रहा है उसको देख के खुश हो जाओ, ना कि जो नहीं मिल रहा उसको देख के दुख मनाओ। और ज्यादातर लोगों के दुख का कारण ही यही है, ज्यादातर लोगों का, वो अपने सुख से खुश नहीं है जितना दूसरे की खुशी से दुखी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है उसके पास। ये अरे तेरे पास जो है वो लाखों के पास नहीं है। हिंदुस्तान में पिछले साल मात्र 6 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल करी है, चाहे वो नॉन इनकम की हो। और आप लोग सोचो, आप में से ज्यादातर लोग उन 6 लाख में आते हो जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं। बाहर जाओ रात को, हरिद्वार में आए हो ना, रात को निकलना, बहुत सारे लोग आपको रात को 11 बजे 12 बजे फुटपाथ पे सोए मिलेंगे। शुक्र करो परमात्मा ने छत दी है। मैं अभी एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था, दो बच्चे रेस्टोरेंट के बाहर कूड़ेदान के पास खड़े थे कि कोई बचा हुआ खाना के डाल के जाए और उसको मैं खाऊं। शुक्र करो परमात्मा ने आपको 2 वक्त की रोटी दी है। लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है और हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? जो नहीं है उसको देख के हम लोग कुड़ते रहते हैं। अरे होटल में एसी नहीं चला तो आईएमसी बैठ होगी। हाँ, एक पानी की बोतल नहीं मिली तो अपलाइन और आईएमसी बैठ होगी।
नहीं यार, आईएमसी वही है, आईएमसी वही है। एक ऑफर नहीं आपको पसंद आई तो आईएमसी पैड होगी। प्लान की कोई चीज आपको पसंद नहीं आई तो आईएमसी पैड होगी। नहीं यार, मैं जब आईएमसी में आया तो मैंने पहले महीने 200 लोगों को ज्वाइन करवाया, जानते एक ने भी काम नहीं किया, एक ने भी काम नहीं किया। मैंने सर से बात करी, मैंने कहा सर कोई काम ही नहीं कर रहा, कहते मीटिंग बुलाओ मैं बात करता हूं। मैंने 50 लोगों को पर्सनली कॉल किया, मैं कहा भैया मीटिंग है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जानते एक भी नहीं आया, जीरो। लेकिन मेरे मन में यह कभी नहीं आया कि कंपनी गलत है, कंपनी में कमी है, मेरी किस्मत में कमी है या लोगों में कमी है। जानते मेरे मन में क्या आया? मेरे मन में आया, यदि दूसरे कर रहे हैं तो उनको कामयाबी मिल रही है, यदि दूसरे कर रहे हैं तो उनको कामयाबी मिल रही है, और मैं कर रहा हूं मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, इसका मतलब सिस्टम में कोई कमी नहीं है। कमी कहां है? मेरे में, मेरे में। हमेशा कंपनी और सिस्टम के ऊपर विश्वास रखो। मैं मानता हूं कई बार कुछ चीजें आपको फायदा नहीं दे पाती, लेकिन जब डिसीजंस लिए जाते हैं तो सिर्फ आपको देख के नहीं लिए जाते, तो वो पूरी ओवरऑल पूरी कंपनी को देख के लिए जाते, पूरे भारतवर्ष को देख के लिए जाते हैं। अगर आपको कंपनी का कोई ऑफर या कोई सिस्टम आपको अच्छा नहीं लग रहा तो उसको अच्छा बनाओ, ना कि चेंज करने की तरफ दौड़ो। खुद को उसके अनुसार ढालना शुरू कर दो, खुद उसके अनुसार काम करना शुरू कर दो, चीजें बदल जाएंगी। क्या लिखा है? नेगेटिव लोगों से दूर। हां जी, क्या लिखा है? और एक बात बताऊं, आप सबसे ज्यादा इसमें ही घुसते हो, आपको सबसे ज्यादा मजा इनके पास ही आता है। अब ऐसा क्यों? आप दुखी हो रहे होते हो? ध्यान से सुनना, ये बड़ी पते की बात है। जब आपका काम नहीं बढ़ रहा होता तब आप दुखी होते हो, और जैसा मैंने पहले बताया कि दुख में काम ना बढ़ने के चक्कर में खुद की तो कोई कमी नजर नहीं आ रही होगी कि मैंने काम करना बंद कर दिया, रिक्रूटमेंट बंद कर दी, मीटिंग सेमिनार पे जाना बंद कर दिया। आपको कमी कहां नजर आएगी? कंपनी में, अपलाइन में, किस्मत में, इन चीजों में। और जब आप ये सेम बातें अपनी अपलाइन एक्टिव अपलाइन को फोन करके बोलोगे कि सर मेरा काम नहीं बढ़ रहा, और वो आगे से बोलेगा भाई साहब तूने काम करना बंद कर रखा, बता आखिरी टीम को तूने कब ज्वाइन करवाया था, तूने मीटिंग सेमिनार करने बंद कर दिए, तब आपको लगता है बुरा। और सच्चाई यही होती है, तब आपको लगता है बुरा। और यही सारी बातें जब आप अपनी क्रॉस लेग से करते हो तो वो आगे से क्या बोलता है? सही बोल रहा है भाई साहब, बिल्कुल सही बोल रहा है, अपलाइन की सपोर्ट नहीं है, कंपनी ने प्लान ऐसा कर दिया, प्रोडक्ट में वो ऐसा नहीं है, और आपको वो अच्छा लगता है। एंड ट्रस्ट मी, सत्यानाश हो रहा होता आपका उस समय पे। जो आपकी हां में हां मिला दे वो आपको अच्छा लगता है, और आपको पहचान ही नहीं होती कि वो आपके लिए नेगेटिव है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो खुद कामयाब नहीं हो पा रहे होते, जो खुद मेहनत कर नहीं पा रहे होते, और उनके मन में पता क्या आता है? ध्यान से समझना, 10 में से 9 लोगों की प्रॉब्लम है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा ना तो अब दूसरे भी रोक लूं, अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा तो दूसरे भी रोक लूं। अगर आपको कोई फोन करके ये बोलता है छोड़ यार क्या पढ़ा, चल मस्ती करते हैं, समझ लेना नेगेटिव है। और जरूरी नहीं कि वो क्रॉस लेग ही हो, ज्यादातर क्रॉस लेग तो होते हैं ऐसे मसलों में, कई बार आपकी अपलाइन भी होती है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी डाउनलाइन अपलाइन से ज्यादा ग्रो कर रही होती है और उसका हाथ खींचने की कोशिश करते हैं, वो रुक जा मत जा, ऐसे ऐसे माहौल बना लेंगे कि वो काम करना कम कर दे। काहे की जेलसी यार, बढ़ने दो आगे उसको, आप ही देखिए टीम स्ट्रांग हो रही है, जानबूझ के उसको कहीं ना कहीं खराब करेंगे। अपलाइन खराब करते अपनी डाउनलाइन को, जब वो अपलाइन को क्रॉस करके आगे निकलने की कोशिश करती है, क्रॉस लाइन तो करी करे, बहुत सारे आपके रिश्तेदार भी करेंगे, आपके रिश्तेदार भी करेंगे। मैंने 5 साल आईएमसी में आके अपने बच्चों के बर्थडे नहीं मनाए, कोई त्योहार नहीं मनाया,
और जानते हैं मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। वहां से मुझे गोवा 25 की मीटिंग पे जाना था, उससे पहले मैं दो दिन कर्नाटक में था 15 नवंबर को, और मेरे एक रिश्तेदार का फोन आया, लाइव चल रहे, मैं बताऊंगा नहीं कि कौन सा रिश्तेदार था, मुझे कॉल करके बोल रहे हैं विराज के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। मैं कह जी थैंक यू वेरी मच, विराज से जरा बात करवा दो, उसको भी मैं विश कर दूं। मैंने कहा विराज से बात करनी है तो उसकी मम्मा को फोन लगाओ, वो लुधियाना में है। क्यों, तुम कहां हो? मैं कर्नाटक में हूं, मेरी मीटिंग थी। क्या करना है ऐसे पैसे का? बच्चों का बर्थडे एक साल में आता और तुम एक छुट्टी नहीं ले सकते? मैंने मन में सोचा तुम तो चाहते ही हो कि मैं काम ना करूं। हेलो, मीटिंग चक्रे, और तुम्हारे ही चक्रों में मुझे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जब पैसे नहीं थे तो तुम लोगों ने मुझे पूछना बंद कर दिया था। काम याद होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रिश्तेदार के पास जाओगे तो पता क्या बोलेगा? रहन दे, कुछ नहीं पड़ा इनके अंदर, एक अच्छी सी नौकरी कर ले। हाँ? और आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये नेगेटिव है। आज के बाद जिस भी आदमी के पास जाओ और जाने के बाद आपको उससे उठने के बाद ऐसा लगे कि दुनिया में कुछ नहीं है, सब मोह माया है, तो ऐसे आदमी को छोड़ दो, इग्नोर करो। अगर छोड़ नहीं सकते तो कामकाज की बात मत करो। लोग बोलते हैं मेरे को, मैं मिलता हूं कई दोस्तों से, कई रिश्तेदारों से, जाके डायलॉग पता क्या मारेंगे? यार खानी तो दो रोटी है, खानी तो दो रोटी है, क्यों पड़ा है चक्कर में? और खुद भाग रहे होते हैं पीछे से। यही लोग रिश्तेदार होते हैं, यही लोग कई बार आपके अपलाइन होते हैं, और ऐसे लोग कई बार आपके क्रॉसलाइन होते हैं, और कई बार आपके डाउनलाइन वाले भी ऐसे मिलेंगे। जो आदमी खुद नहीं कर सकता वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, और ऐसे मिले मिठे बातों से रोकने की कोशिश करेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा यही है मेरा सहानुभूति करने वाला सही आदमी। जहां पर आपको मिलने के बाद ठंडा महसूस हो उससे काम की बात ही मत करो, हाय हेलो करो, निकलने की कोशिश करो। क्योंकि आप छोड़ो लोगों को पॉजिटिव करना, खुद को ही पॉजिटिव कर लोगे ना तो आपको देख के सैकड़ों लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। याद करो किस सोच के साथ आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे, किस जोश के साथ आप आए थे, और आज आप ठंडे होकर बैठ गए। दो लोगों ने आपको बोला कुछ नहीं पड़ा इस काम के अंदर, छोड़ यार अपन तो ये चल रहा है, खत्म, फिनिश। आपके घर पे जो चूल्हा जलता है ना वो आपके पैसे से जलना है, ना आपके किसी रिश्तेदार के जो आपको नेगेटिव करता है, ना अपलाइन के, ना क्रॉसलाइन के, ना कई डाउनलाइन भी नेगेटिव करने वाले होते हैं उनके। सो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ना बंद कर दो। और एक बात बता दूं मैं आपको, प्रैक्टिकली करके देख लेना, जब आप नेगेटिव होते हो, जब आप ठंडे होते हो ना, तब आपको चारों तरफ से जो कॉल्स, जो एनवायरमेंट मिलता है वो भी ठंडा मिलता है। नेगेटिव एनर्जी के अंदर इतनी पावर होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी को खींचती है। आपने अगर वो 10 सीक्रेट और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना या पढ़ा हो तो ये काम करता है वाकई। जब आप पॉजिटिव होते हो, आप मोटिवेटेड होते हो, तो आप टीम में कॉल करते हो, जानते आगे से क्या फोन आता है? सर आज 2 फ्रेंचाइजी खुलवाई, चक दूंगा फट्टे, इस बार चेयरमैन करूंगा। और जब आप अंदर से ठंडे होते हो तब सामने से रिस्पॉन्स पता क्या आता है? कुछ नहीं सर, बहुत मार्केट आउट हुई पड़ी है, मंदी है सर, फसलों का समय है सर, काम नहीं चल रहा सर, टीम छोड़ के चली गई। ये सारी नेगेटिविटी या सारी पॉजिटिविटी बाहर कहीं नहीं है, आपके अंदर। और मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं कि दुनिया को सुधारने को छोड़ो, खुद को बदल लो, खुद को फालतू की चीजों से दूर रखो, खुद को पॉजिटिव रखो। जब आपकी आंखें पॉजिटिव होंगी, आपका मन पॉजिटिव होगा, तो आपको दुनिया में हर जगह पॉजिटिविटी नजर आएगी।
आपको वो गिलास जो है ना आधा भरा हुआ नजर आएगा जब आप पॉजिटिव हो, और जब आप नेगेटिव हो तो आधा खाली नजर आएगा। और सारी कामयाबी, सारी सृष्टि इसी चीज के ऊपर है कि आप किस चीज को नेगेटिव में देख रहे हो या पॉजिटिव में देख रहे हो। मेरी तो यही रहती है हमेशा सोच, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, खुद को बदलता हूं और दिखाता हूं कि भाई साहब खुद को बदला है, आप ही बदलो। मैं जैसा आईएमसी में आया था आज से 9.5 साल पहले, मैं आज वैसा नहीं हूं। मैं जैसा आईएमसी में आया था आज मैं वैसा नहीं हूं, और जैसे जैसे मैं खुद को बदलता गया आगे बढ़ता गया। और अगर आप सोचें कि मैं तो भैया ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता, तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं जी मैं इतनी उम्र का हो गया, मैं ऐसा, मैं नहीं बदल सकता अपनी आदतों को, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और मैं उनको इग्नोर करता हूं, मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करता हूं। मैं जब आईएमसी में आया तो मुझे शौक थे, मूवीज देखने के शौक थे, पार्टीज करने के शौक थे, घूमने फिरने का शौक था। आज सब छोड़ दिया। मेरे और मेरी कामयाबी के दरमियान मेरी कोई आदत या कोई भी ऐसी चीज अगर आड़े आती है तो मैं उस आदत को चेंज कर देता हूं। अगर आप आज चेयरमैन लेवल पे पहुंच के भी, आप यहां पर आके भी आप अपनी वो बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे, एक तरफ आपकी शाम को मीटिंग चल रही होती है और दूसरी तरफ आपको कीड़े जोड़ने चले शुरू हो जाते हैं, चले यार शाम को बैठे लाओ चखना। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप किसी काम के लिए दूसरे को बुरा बोल सकते हो ना और खुद कर रहे हो तो आप सही नहीं हो। आप दूसरों को बोल रहे हो कि शराब पीना गलत है और आप खुद पी रहे हो तो कहां सही हो सकते हो यार। पहले खुद तो सुधारो खुद को। इस मुकाम पर भी आके मैं देख रहा हूं हमारे लोग मीटिंगों में बैठ के मुंह के अंदर पता नहीं क्या क्या लाल लाल चलता रहता है, मुझे पता भी नहीं क्या बोलते उसको। मसला चल रहा है किसी रिश्तेदार के किसी साथ और आप उसको दिमाग में घुसेड़ के लगे हुए हो 24 घंटे, वही सोचते रहते हो, छोड़ो खत्म करो उसको, अपने काम की तरफ बढ़ो। ऐसी कोई भी चीज, आपका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त, आपकी कोई भी आदत अगर आपके काम के आड़े आ रही है तो बदल दो। सर्दियों के दिनों में मुझे रजाई से निकलने की बहुत प्रॉब्लम होती थी, रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना, सुबह लेट उठना, ये आदत थी। आज आप काम के लिए मुझे 3 बजे उठा लो, 4 बजे उठा लो, 2 बजे उठा लो, आप बोलोगे कि नहीं सोना, मैं काम के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार हूं। और एक बात समझ लो, मैं आपको एक बात और बताता हूं, अगर बड़ा लीडर बनना है ना तो ट्रैवलिंग से प्यार करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा अलग अलग शहरों में काम करने के लिए। कई लोग मैंने देखे हैं जिनको जाने में परहेज है, यार नहीं यार जाऊंगा, काम होगा कि नहीं होगा, नहीं हो सकते कामयाब, पता नहीं ट्रेन कैसे बुक होगी, पता नहीं ये कैसे होगा, सभी करते हैं, तुम भी सीख लो यार, नहीं हो सकेगा, समझा लो कि भैया फिर इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता। कई लोगों को ट्रैवल करने से परहेज है, और कई लोगों को पता क्या है, कई लोगों को साथ में 1-2 आदमी चाहिए, मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर सकता। आए थे अकेले, जाओगे भी अकेले, तो यहां पे असिस्टेंट क्यों चाहिए। देखो टॉप लीडर्स की तरफ, सब ट्रैवल करते हैं, इनको त्योहारों से कोई लेना देना नहीं है, इनको कोई बर्थडे शादियां से लेना देना नहीं है, 25-25 दिन, 30 दिन ये ट्रैवल करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और इनको साथ में कोई 2 आदमी भी नहीं चाहिए, अकेले घूमते हैं। और मुझे तो ये नहीं पता यार आदमी चाहिए क्यों होता है, अगर किसी को साथ लेके जाना है तो उसके हिसाब से ट्रैवल प्लान करना पड़ेगा। अकेले जाओगे तो जब काम किया मीटिंग है चलो मैं आ गया खत्म। अब ये आदतें हैं, ये आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको एक अच्छी लुक देनी पड़ेगी। अभी पिछले कुछ दिन पहले मैं जूम मीटिंग ले रहा था, उसमें एक व्यक्ति ने आके बताया कि सर मैं प्रोडक्ट सेल करने गया क्या नौकरी पे,
मैं कैनोपी पे प्रोडक्ट सेल कर रहा था, मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कहता सर मैं अगली बार आईएमसी के ड्रेस कोड में गया, कोट पैंट पहन के गया और मेरी जो सेल थी सारा माल सेल हो गया, उसके बाद भी लोग आके मांग रहे थे मेरे से। और अगर आपको आईएमसी के कपड़े पहनने में भी परहेज है ना भाई साहब, तो रहने दो, फिर ये पहनने ही पड़ेंगे अगर आगे बढ़ना है तो। ये वर्दी है हमारी, यूनिफॉर्म है। एक पुलिस वाला अगर अपनी यूनिफॉर्म में ना हो ना, आप उसको यूज टू लोगे और वही वो यूनिफॉर्म में आके बैठ जाए तो ध्यान से उसके साथ बात करोगे आप। ये हमारी वर्दी है और ये हमारी आदतें हैं, ये हमारे ब्लड में है। और सबसे बड़ी चीज सुनाऊं मैं, प्यार करो अपने आप से, अपनी कंपनी से। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, आज से 7-8 महीने पहले की बात है, हमारे पंजाब में सीएम साहब थे दूसरी पार्टी के, अब चेंज हो गए। मेरा एक इवेंट था, एक एजुकेशनल इवेंट था, मैं वहां पे, मुझे मौका मिला जाने का। मैं कोशिश कर रहा था उनके उनसे मिलने की, मैंने बात भी करी, मैंने कहा मुझे सीएम सर से मिलना है। कहते क्यों मिलना है? मैंने कहा मुझे आईएमसी का प्लान दिखाना है। आप मुझे पता आप हंसोगे, उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। मैं मायूस क्यों हुआ? मैं कीप ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उनसे मिलूं, पर अगर मेरा बस चला तो मैं एक दिन आईएमसी का प्लान लेके हमारे प्रधानमंत्री के पास भी जाने वाला हूं। एक सवाल पूछता हूं, जवाब देना, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं? नंबर एक, हम लोगों को हेल्थ दे रहे हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं केमिकल छोड़ो आयुर्वेद अपनाओ, यस। हम अपने देश को मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा नागरिक मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, तो हमारा देश मजबूत बनेगा। हम अपने देश को मजबूत बना रहे हैं। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या आज की देश डेट में हिंदुस्तान में है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और नेटवर्क मार्केटिंग जैसे रोजगार कोई नहीं दे सकता, जहां हम एक आदमी को रोजगार देते हैं वो जाके हजारों को देते हैं। और आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। और तीसरा, देश के ऊपर कर्ज बहुत बढ़ गया है, देश के ऊपर बहुत कर्ज बढ़ गया। और अगर देश को मजबूत बना रहे हैं आर्थिक रूप से, तो एक ही ऑप्शन है, स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए। और ये तीनों चीजें किसके पास है? आईएमसी के पास। तो मैं क्यों शर्म करूं जाने के लिए उनके पास? मुझे मौका मिला तो मैं जाऊंगा, करूंगा प्लान कि सर आपके पास रोजगारी सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा मसला है, ले लो रोजगारियां, ले लो रोजगार, दे दो लोगों को रोजगार। और आप लोग, आप लोगों को शर्म आती है अपने पड़ोसी से भी बात करने में? आप लोगों से जब कोई पूछता है कि क्या काम करते हो तो गोल गोल बात करते हो, हेल्थ प्रोडक्ट में काम कर रहा हूं सर, आयुर्वेद प्रोडक्ट में काम कर रहा हूं सर, शर्म करते हो? जिस काम में खा रहे हो, जिस काम में करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहे हो, उस काम को बताने में शर्म आती है आपको? इससे अच्छा काम क्या होगा मुझे बताओ? मैं खड़ा हूं यहां पे, एमबीए करी है, एलएलबी करी है, 2012 में 70,000 रुपए की नौकरी छोड़ के इस इंडस्ट्री में आया हूं, और आज 15 करोड़ से ऊपर कमा चुका हूं, लग्जरी गाड़ियां ले ली, फॉरेन ट्रिप्स ले ली, 21 लाख के कर्ज में आया था। बताओ इससे अच्छी इंडस्ट्री कौन सी हो सकती है? आपसे नहीं हो रहा, आपका मैटर है, मुझे बताओ इससे अच्छी इंडस्ट्री कौन सी है? मैं खड़ा हूं आपके सामने। और अगर नहीं है तो सीना चौड़ा करके लोगों को बताया करो, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूं मैं। लोग बोलते आगे से, अभी 3 दिन पहले की बात हुई, मैं नए घर में शिफ्ट हुआ, एक पड़ोसी मेरे पास आया और सर क्या करते हो, कॉमन सवाल है ना, क्या करते हो? सर आईएमसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता हूं। और इतना बोलने में हम लोगों को शर्म आती है, मैं बोलता हूं सीना चौड़ा करके बोलता हूं। और अगर आप लोगों में से ना ज्यादातर निकम्मे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर आपको तो पैसे आते हैं इसलिए बोलते हो,
पैसे इसी वजह से आते हैं क्योंकि बोल बोल के यहां तक पहुंचा हूं। अच्छा, एज एक्सपेक्टेड सामने से क्या जवाब आएगा? एज एक्सपेक्टेड मुझे पता था कि सामने से क्या जवाब आएगा। सामने से जवाब आया, अच्छा बंदे जोड़ने वाला काम, चेन सिस्टम। मैंने कहा अच्छा आपको इतना पता है? कहते हाँ पता है। मैं कहा लेकिन थोड़ा अधूरा ज्ञान है, आओ बैठो मैं समझाता हूं। और मैंने उसको अच्छे से क्लियर किया, अच्छे से क्लियर किया। मेरे साथ काम करे ना करे, लेकिन एटलीस्ट वो आदमी अब किसी और को गलत नजर से नहीं देखेगा जब कोई डायरेक्ट सेलिंग में बंदा काम कर रहा होगा। तो अगर हम लोग ही लोगों को नहीं बताएंगे कि हम क्या है वो क्या है, वो कौन से आप लोगों को पता है कौन से? किट सिस्टम वाले, 500 रुपए की चीज को 5,000 का करके बेचने वाले, 2 जोड़ो 1,000, 4 जोड़ो 2,000, 40-40 पे बाइक, 400 पे कार, तब तक कंपनी फरार। अगर हम लोग नहीं बताएंगे कि वो क्या है और हम क्या है तो कौन बताएगा? तुम शर्म कर रहे हो अपने पड़ोसी को बताने में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो फिर कौन बताएगा? भाई मेरे को कई बार लोग आके पूछते हैं सर प्रोडक्ट किसको बेचा जाए, प्लान किसको दिखाया जाए। मैं कहता हूं हर जिंदा आदमी को, हर जिंदा आदमी को क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं बताते? हर किसी को प्रोडक्ट चाहिए। अभी मैं पीछे यूपी में मीटिंग करने गया था, छोटे से कस्बे में, स्टेशन पे बैठा एक आदमी आके बोलता सर आपका काम यहां पे चलता है? मैंने कहा भैया जहां पर जिंदा लोगों का वास है हमारा काम चलता है। शर्म नहीं करनी और खुद को बदलना है, ना कि दुनिया को बदलने में लगे रहो। परिस्थितियां ऐसी रहेंगी, परिस्थितियां ऐसी ही रहेंगी, बदलेंगी नहीं। ना तो आपके लिए प्लान बदलने वाला है, ना आपके लिए प्रोडक्ट बदलने वाले हैं, और ना आपके लोग बदलने वाले हैं। आपको बदलना खुद को पड़ेगा उन परिस्थितियों के हिसाब से, और आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड में टाइम हो गया सर मेरा एक घंटा। अंत में बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर मेरा एक लीगल मैटर चल रहा है, 2 महीने बाद काम शुरू करूंगा, अभी मैं फंसा हुआ हूं। सर मेरे घर पे शादी है, 1 महीना ब्रेक लूंगा उसके बाद काम करूंगा। सर अभी ये है उसके बाद काम करूंगा। सर अभी वो है उसके बाद काम करूंगा। मेरे दोस्त अगर ऐसी नेचर आप में है तो ये आपकी आदत बन सकती है। और कल जो आप कहते हो ना कल करूंगा, कल कभी नहीं आएगा, कल कभी नहीं आएगा। आप सोचो कि मैं अगले महीने से करूंगा, अगले साल से करूंगा, अरे तुम्हारा क्या पता तुम कल रहो ना रहो। इस पे एक बात याद आई, मुझे एक आदमी कहता सर आप तो कहते हो कि हर जगह जाके प्लान कर सकते हो, सर मैं कल किसी की डेथ पे गया था क्रीमेशन पे, क्या वहां पे भी प्लान करूं मैं जाके? मैं कहा मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। कहता कैसे? मैंने कहा एक बात बताओ, आप किसी के क्रीमेशन पे जाते हो अंतिम संस्कार पे, तब आपके पास 2-3 बातें होती है करने को, कौन सी? बहुत अच्छा आदमी था, यही बोलते हैं पल भर का भरोसा नहीं है, देखो यार एक हफ्ते पहले तो मेरी उससे बात हुई थी, यही बातें बोलते हैं। मैं भी यही बातें बोलता हूं, लेकिन एंड में एक लाइन ऐड कर देता हूं, क्या यार बहुत अच्छा आदमी था, पल भर का भरोसा नहीं है, क्या हो जाए। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जाने वाला तो गया उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे चिंता हो रही है इसके बीवी बच्चों की। कम से कम इस चिंता से मैं दूर हूं कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जिसमें मैं एक बार मेहनत कर चुका हूं, अब वो पैसा मेरे परिवार को आएगा अगर मैं नहीं रहा तो। काम को किसी भी परिस्थिति में कहीं में भी किया जा सकता है, और कल कभी नहीं आएगा। काम होगा तो आज होगा, आज नहीं बल्कि अब से होगा। लेकिन एक बात याद रखना, रुकना
Love you all. Take care. Good afternoon.